हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियर्स आईक्यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्विक रिवीजन या शॉर्ट नोट फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स। यानी फ्लूइड मैकेनिक्स ये कॉमन सब्जेक्ट होता है सिविल एंड मैकेनिकल का, तो आप अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। और ये जो शॉर्ट नोट है उसको हम डिवाइड करेंगे 4 या 3 लेक्चर्स में, जितने में भी ये मिनिमम मैं कंप्राइज करने की कोशिश करूंगा, जितने में भी ये कंप्लीट हो जाता है तो 4 आवर में लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है फॉर SSC JEE, UP SSC JEE एंड जो राजस्थान JEE का पेपर होने वाला है उन सभी के लिए। और इसमें ज़्यादातर वन लाइनर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो भी होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूलाज हैं हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको जाना होगा टेलीग्राम ऐप पर, वहां पर सर्च कीजिए इंजीनियर्स IQ और जो आइकन आपको दिख रहा है इंजीनियर्स IQ का, ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी वहां पर 200+ सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप उसी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी PDFs आपको वहां पर मिल जाएंगी। और भी जो आपको इंपॉर्टेंट बुक्स की PDF वगैरह चाहिए तो आप उसी चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर जो आर्यगौर की बुक होगी, गुप्ता एंड गुप्ता की बुक होगी, ये सारी बुक्स वहां पर अपलोड हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लूइड होते क्या हैं। तो किसी भी मैटर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो सॉलिड है उसकी स्टडी हम करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, और जो लिक्विड और गैस है इनकी कंबाइंड स्टडी हम करते हैं किसमें, फ्लूइड में। यानी कि फ्लूइड के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, लिक्विड एंड गैस, तो इन्हीं की स्टडी की जाती है फ्लूइड में। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फ्लूइड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन पर अगर थोड़ा सा भी टेंजेंशियल या शियर फोर्स लगाया जाए तो डिफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, इनको हम क्या कह देते हैं, फ्लूइड कह देते हैं। ठीक है, चाहे वो डिफॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं जो टेंजेंशियल फोर्स हैं वो कितने भी छोटे क्यों ना हो, ये डिफॉर्मेशन शो करेंगे। ठीक है, और इनके लिए एक पॉइंट आप याद रख लीजिए कि जो फ्लूइड होते हैं वो जब तक कि उन पर कोई भी थोड़ा सा भी टेंजेंशियल फोर्स लगेगा वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म करते रहते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं इनके लिए डिफॉर्मेशन रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मोर देन डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी पर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी, इसे हम कहते हैं मास डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक मास, इसे रो से डिनोट करते हैं। ये होता है मास और वॉल्यूम का रेशियो, इसकी यूनिट क्या होगी फिर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, मास की यूनिट किलोग्राम हो गई और वॉल्यूम की मीटर क्यूब हो गई। ठीक है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो गई। ये मेनली डिपेंड करता है टेम्परेचर फंक्शन पर। टेम्परेचर फंक्शन पर कैसे, यानी कि हम किसी भी अगर लिक्विड की बात करें, लिक्विड का अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि किसी भी जो लिक्विड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोहेजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, और जब हम इसको हीट करते हैं तो इसके कारण क्या होता है, उसका जो बॉन्डिंग होती है पार्टिकल्स के बीच की, वो बॉन्डिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, इसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या है, कम हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैस के केस में उल्टा होता है, यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे इसकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी कंटेनर में भरे हुए गैस के पार्टिकल्स को हम अगर ऑब्जर्व करें, कुछ इस टाइप से गैस के पार्टिकल्स होंगे, तो ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं, मूव करते रहते हैं हमेशा। तो जैसे इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, इसको नीचे से हीट देना अगर हम स्टार्ट करें, तो क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके जो टक्करों की संख्या है वो बढ़ जाती है, या फिर हम कह सकते हैं ये जल्दी जल्दी मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इसकी डेंसिटी क्या है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर हम लिक्विड में वाटर की बात करें, तो वाटर के केस में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, तो आपको बोल देना है 4°C पर, 4°C टेम्परेचर पर वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर आपसे ये पूछा जाए कि अगर हम वाटर में टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं, यानी कि पहले 20°C टेम्परेचर था, फिर हम इसको लेके आते हैं 0°C पर, और उसके बाद फिर इसको -20°C पर लेके जाते हैं, तो इस केस में आपसे पूछा है डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम 20 से 0°C पर जाएंगे तो डेंसिटी क्या है, इसकी सबसे पहले तो इंक्रीज करती है, क्योंकि 4°C तक
ये इंक्रीज करती है, आफ्टर दैट फिर ये डिक्रीज करना शुरू कर देती है माइनस की तरफ। ऐसा क्यों होता है? आपको मैंने बताया कि 4 डिग्री सी पर किसी भी जो वाटर की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो 4 डिग्री सी पर यहाँ पर अगर है 1000 होती है, और अगर हम 20 डिग्री सी की बात करें तो यहाँ 998 होती है। फिर से ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है 998 या समथिंग कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रही हैं, इस केस से आपको कन्फर्म हो गया होगा कि पहले अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं वाटर के केस में, तो पहले डेंसिटी इंक्रीज करेगी, आफ्टर दैट डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लिक्विड्स दे रखे हैं, उनकी डेंसिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम वाटर की बात करें तो 4 डिग्री सी पर इसकी डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर 20 डिग्री सी पर देखेंगे 998। हम यूज़ के लिए लेते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को और 4 डिग्री सी टेम्परेचर पर, बट नॉर्मली और सभी लिक्विड्स की अगर हम बात करें 20 डिग्री सी पर लेते हैं, हम इसको कैलकुलेशन पर्पज से आसान बनाने के लिए 1000 ले लेते हैं, भले ही वो 4 डिग्री सी टेम्परेचर पर क्यों ना हो, ठीक है। यूनिट आपको पता ही है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होते हैं, और ये जो सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट की जाती हैं डेंसिटी को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर की जाती हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं किसी भी मैटर पर, तो प्रेशर इंक्रीज करने के साथ उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, बट हमेशा नहीं है ऐसा। अगर हमारे पास आइडियल लिक्विड है, आइडियल फ्लूइड है, तो वो फिर वो कंप्रेस नहीं होगा, इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम सी वाटर की बात करें तो 20 डिग्री सी पर इसका जो डेंसिटी होती है 1025 होती है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ऐसे ग्लिसरीन की बात करें 20 डिग्री सी पर 1260 होती है, और पारा यानी कि अगर हम बात करें मरकरी की, तो उसकी होती है 13600, ठीक है। और अगर हम ये जो डेंसिटी है इसको हम लिखना चाहें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो सिंपली आप क्या है 1000 का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो निकल के आ जाएगा, यानी कि 13600 ऑलरेडी हमारे पास है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो यहाँ से आ जाएगा 13.6, ठीक है। ऐसे ही सबकी डेंसिटी आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म है रियल फ्लूइड। तो रियल फ्लूइड क्या होते हैं? ऐसे फ्लूइड जिनमें क्वालिटी होती है विस्कोसिटी की, सरफेस टेंशन की, तो ऐसे फ्लूइड को हम क्या कह देते हैं, क्या कहेंगे, रियल फ्लूइड, ठीक है। और आइडियल फ्लूइड की अगर बात करते हैं, तो आइडियल फ्लूइड में ना तो विस्कोसिटी होती है, ना सरफेस टेंशन होता है, ना कंप्रेसिबिलिटी होती है। ये जो सारे टर्म्स हैं आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बस यही याद रखना है कि आइडियल फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन और कंप्रेसिबिलिटी सब कुछ जीरो होता है, ठीक है, या फिर होता ही नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, जिसका नाम है यूनिट वेट, या फिर इसे वेट डेंसिटी कहते हैं, स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं, इसे डिनोट करते हैं गामा से या फिर स्मॉल डब्ल्यू से। इसका फॉर्मूला क्या होगा? गामा इक्वल्स डब्ल्यू बाई वी, यानी कि सर्टेन वॉल्यूम में कितना वेट है, किसी भी मैटर के सर्टेन वॉल्यूम में जितना भी वेट होगा वो क्या शो करेगा उसकी वेट डेंसिटी को या फिर यूनिट वेट को। तो फिर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको हम W को लिख लेते हैं m इंटू जी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को गामा इक्वल्स एम जी, और यहाँ से m अपॉन बी हमें पता है ये क्या होता है, ये मास डेंसिटी होती है, फिर हम नॉर्मली इसको डेंसिटी कह देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं गामा इक्वल्स रो इंटू जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। यहाँ से एक नोट पॉइंट है, इसको देख लीजिए, किसी भी मैटर की जो डेंसिटी होती है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, जबकि जो वेट डेंसिटी है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होती है। तो यहाँ से एब्सोल्यूट क्वांटिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज जो टाइम के साथ या फिर स्पेस के साथ चेंज नहीं होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट क्वांटिटी। अगर किसी भी मैटर यानी वाटर की बात कर रहे हैं तो उसकी डेंसिटी फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होने वाली। लेकिन अगर हम वेट डेंसिटी की बात करेंगे तो प्लेस टू प्लेस चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर जो जी की वैल्यू है, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं जी, उसकी वैल्यू अगर हम मून पे जाते हैं तो वो कुछ और होती है, 1/6 होती है अर्थ की, तो अर्थ पर कुछ और होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें अर्थ से ऊपर जाते हैं या फिर नीचे गहराई में जाते हैं, तो फिर जी की वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज करती है। तो इसके कारण क्या है, जो वेट डेंसिटी है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये क्या होता है? इन्वर्स होता है किसका? डेंसिटी का, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं V/m इसको लिखते हैं, इसीलिए इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब पर किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा टर्म जो हैं वो पूछे जाते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी। इसको S और G दोनों से डिनोट करते हैं, या फिर इसको सिंपली ऐसे लिख लेते हैं SG, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका फॉर्मूला जो दिया जाता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड।
यानी कि अगर हमें किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, मान लिया हम लिक्विड में लेते हैं वाटर को, वाटर की अगर हमें डेंसिटी सॉरी स्पेसिफिक डेंसिटी निकालनी है, तो इसकी डेंसिटी ऊपर रखेंगे वाटर की, और वाटर के केस में या फिर लिक्विड के केस में जो स्टैंडर्ड फ्लूड लिया जाता है वो वाटर को ही लिया जाता है, तो नीचे रखेंगे 1000, यहाँ से हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाती है 1। यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी वो होती है जो हमें बताती है कि कोई भी लिक्विड या कोई भी जो लिक्विड या गैस अपने स्टैंडर्ड फ्लूड से कितना हल्का है या भारी है। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये किससे मेजर की जाती है, पिक्नोमीटर से या फिर हाइड्रोमीटर से, याद रखना है आपको। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फ्लूड की जो इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है, तो वाटर के केस में लिया जा सॉरी लिक्विड के केस में लिया जाता है वाटर को, जिसकी डेंसिटी ली जाती है नॉर्मली 1000। ठीक है, और अगर हम बात करें गैस के केसेस में, तो उसमें लिया जाता है एयर को, और एयर की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है, 1.15 से 1.25 ली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एयर की डेंसिटी पूछी गई है कितना होती है, वो आपको देख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होगी, जैसा कि आपको पता है ये दोनों डेंसिटी का ही रेशियो है, तो इसका यूनिट नहीं होगा कोई। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है कि कोई भी लिक्विड की अगर डेंसिटी, लिक्विड की अगर हम बात करें और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से लेस है, तो वो क्या होगा, वो लाइटर होगा वाटर से। अभी मैंने बताया किसी भी स्पेसिफिक किसी भी लिक्विड या गैस की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या शो करती है, कि वो लिक्विड या गैस कितना हल्का या भारी है उस स्टैंडर्ड फ्लूड से। तो अगर हम वाटर के केस में ऐसे ही हम बात करेंगे, तो वाटर तो क्या होगा, अगर लेस है तो फिर वाटर से लाइटर है। ठीक है, अगर इक्वल है तो सीधी सी बात है कि वो वाटर ही होगा लिक्विड। अभी मैंने निकाल के दिखाया 1000/1000 हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा 1, यानी कि जी इक्वल्स 1 आ रहा है, तो इसका मतलब वो लिक्विड क्या होगा, वाटर होगा। अगर जी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब यह है कि वो लिक्विड हैवियर है देन वाटर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला दिया जाता है वो दिया जाता है रो ऑफ फ्लूइड अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड का जो रो होता है, यानी कि डेंसिटी होती है। इसमें हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में जी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जी का मल्टीप्लाई करते ही ये क्या बन जाती है, फिर ये हमारे पास आ जाएगा क्या, वेट डेंसिटी। ठीक है, तो वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो यहाँ से भी हम इसको नॉर्मली निकाल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं, इनको देख लीजिएगा। IRC के अकॉर्डिंग अगर हम एग्रीगेट के जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, तो वो 2.6 से 2.9 कंसीडर की जाती है, और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर की बात करें तो वो 1 होती है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी की बात करेंगे तो वो 13.6 होती है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, 13600, और अपॉन में 1000 कर देंगे, जो कि स्टैंडर्ड फ्लूड हम लेते हैं स्टैंडर्ड लिक्विड के केस में, किसको, वाटर को। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 13.6, जैसा कि आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, तो वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इंडिपेंडेंट होती है मेजरमेंट सिस्टम से, क्योंकि उसकी कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट जो पॉइंट है, उसमें अगर आपको निकालनी है किसी भी गिवन ग्रेविटी आपको दे रखी है, और पूछ स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखी है, और पूछा जाए इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, तो आप सिंपली 1000 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पिछले फॉर्मूले से देखेंगे सेम यही होंगे। और अगर आपको निकालना है ग्राम पर मीटर क्यूब में, और यहाँ पर ग्राम किलोग्राम पर मीटर क्यूब नहीं होगा, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकल आ जाएगा। ठीक है, किसी भी लिक्विड के लिए निकाल सकते हैं ये, हम ऐसा नहीं है कि गैस के लिए भी निकाल लें, गैस के लिए नहीं निकाल सकते, क्योंकि गैस के लिए वो डेंसिटी जो ली जाती है 1.15 to 1.25 ली जाती है, स्टैंडर्ड जो गैस होती है उसके लिए। ठीक है, एयर केस में। अब नेक्स्ट एक टेबल है, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है इसमें, देख लीजिए। एस्फाल्ट जो होता है उसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, पेट्रोलियम क्रूड से ऑब्टेन किया जाता है, और कैसे इसको किस प्रोसेस के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, तो वो होता है नेचुरल डिस्टिलेशन। ठीक है, अगर विटामिन की बात करें तो पेट्रोलियम क्रूड से ही इसको भी ऑब्टेन किया जाता है, बट इसके लिए जो मेथड अपनाया जाता है वो क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अगर हम बात करें कोल टार की, तो ये कोयले से ऑब्टेन किया जाता है, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से इसको ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, ये मेथड है इनके, इंपॉर्टेंट हैं तीनों, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हो सकता है पेयर बनाने के लिए दे दिए जाएँ, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है, वल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वल्क मॉडुलस क्या होता है,
फिर कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। तो कंप्रेसिबिलिटी वो टर्म है, आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, कंप्रेस एंड एबिलिटी। तो अब यहाँ से पता चल गया कि कोई किसी भी मैटर की कंप्रेस होने की जो एबिलिटी है वो क्या कहलाएगी, उसकी कंप्रेसिबिलिटी। यानी कि कोई भी मैटर है वो जितना ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है वो ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी शो कर रहा है, और ऐसे ही अगर बात करें कम कंप्रेसिबिलिटी शो कर रहा है इसका मतलब वो ज़्यादा कम कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें गैस की केस में तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी विद कंपेयर टू लिक्विड, ठीक है। लिक्विड को हम इनकम्प्रेसिबल मानते हैं नॉर्मली, अगर हम देखें प्रैक्टिकल केस में तो लिक्विड को हम मानते हैं इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। बल्क मॉडुलस की बात करेंगे तो बल्क मॉडुलस मैंने आपको बताया, जो बल्क मॉडुलस जो होता है उसको उसका जो फॉर्मूला दिया जाता है वो दिया जाता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा वी ओवर वी, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये फॉर्मूला था बल्क मॉडुलस का, ठीक है। अब बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी में रिलेशन क्या होता है तो देख लीजिए, वीटा इक्वल्स लिखा जाता है 1/k, ठीक है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकलेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइडियल फ्लूइड के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ जो कंप्रेसिबिलिटी है वो जीरो होती है, एक डेफिनेशन में आइडियल फ्लूइड की आपको बताया था कंप्रेसिबिलिटी शो नहीं करता है, कंप्रेसिबल होने की क्वालिटी नहीं होती किसी भी आइडियल फ्लूइड में। और बल्क मॉडुलस यहाँ से अगर इस फॉर्मूले से देखें के इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/β, और यहाँ पर अगर कंप्रेसिबिलिटी जीरो है यानी कि के की वैल्यू क्या आएगी 1/0, जिसे हम लिख सकते हैं इन्फिनाइट, तो फिर किसी भी आइडियल फ्लूइड के लिए जो बल्क मॉडुलस है वो क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए याद रखना है। अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ठीक है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला अगर हम देखें तो इंक्रीमेंट इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इंक्रीमेंट इन प्रेशर वो नॉर्मल स्ट्रेसेस ही होते हैं अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो कि मैंने फॉर्मूला बताया। यहाँ पर माइनस साइन क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसी भी लिक्विड पर, किसी भी गैस पर, तो उसमें क्या है, वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज होता है, तो उस डिक्रीमेंट को दिखाने के लिए, डिक्रीजमेंट को दिखाने के लिए हम माइनस साइन को यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। अगर रिलेशन की बात करें किसी भी बल्क मॉडुलस और डेंसिटी स्ट्रेन से, तो ये कहाँ से आता है, के इक्वल्स रो डीपी अपॉन डी रो, तो ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ इस रिलेशन से। आपको ये रिलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये अगर याद है बाकी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए ये जो लिखा हुआ है, ये जो फॉर्मूला है, यहाँ से हम थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मास जो होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं एम इक्वल्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, एम इक्वल्स कॉन्स्टेंट। और अगर हम इसकी बात करें मास की, तो वो हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हम लिख दिया है मास। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट इक्वल्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम इसको क्या करते हैं, डेरिवेट कर लेते हैं बोथ साइड्स को, तो क्या होगा, देखिए कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा, डेरिवेशन जीरो होगा, और इसका अगर डेरिवेशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी रो वी डी रो प्लस रो डी वी, यही तो होगा। किसी भी दो मल्टीप्लाई में होते हैं तो फिर कुछ स्टेप से हम उनको लिख लेते हैं डेरिवेटिव में। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम लिख सकते हैं डी वी ओवर वी इक्वल्स में हो जाएगा डी रो ओवर रो, ठीक है। ये माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, एक साइड जाएंगे तो फिर ये एक साइड कहाँ क्या आएगा, माइनस साइन। अब माइनस डी वी ओवर वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी रो ओवर रो। तो यहाँ से देख लीजिए इस फॉर्मूले में ये चीज़ आपको याद रखनी है, डी रो ओवर रो लिखना है यहाँ पे इसकी जगह पे, तो लिख लीजिए डी पी अपॉन आ जाएगा डी रो ओवर रो, ये रो ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं रो डी पी ओवर डी रो। माइनस साइन चला गया है, माइनस डी वी अपॉन डी वी की जगह पे ये चीज़ें रखी हैं मैंने, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से जो फॉर्मूला मिला है वो ये वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे रिलेशन निकल के आते हैं जो आपको निकाल लेने हैं। सिंपली आपको क्या है, ये जो फॉर्मूला है यहाँ से ये याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें इन्हीं से फाइंड आउट कर लेनी होती हैं, ठीक है। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो बल्क मॉडुलस के इक्वल्स होता है जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं हम उस पर, जो भी वो उसके इक्वल में, तो ये कहाँ से निकल के आता है, फिर से हमें पता है आइसोथर्मल इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल्स एन आर टी। लेकिन आइसोथर्मल का मतलब ये है कि आइसो मींस सेम, थर्मल टेम्परेचर, यानी कि सेम टेम्परेचर का मतलब ये है टेम्परेचर इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं
पी बी इक्वल्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि आर तो पहले से ही आर और एन कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है, तो पी बी इक्वल्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अब इसको फिर से आप डेरीवेट करेंगे और फिर से उसी फॉर्म में लाएंगे तो आपको मिल जाएगा के इक्वल्स पी, ठीक है। सेम बहुत सारे ऐसी इक्वेशंस आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में, ये भी पूछा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है, और ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आपके पास जो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एनपी होता है। इस केस में जो गवर्निंग इक्वेशन दी जाती है, जैसे अभी मैंने बताया पीबी इक्वल्स एनआरटी, यहां पर दी जाती है पीबी की पावर एन इक्वल्स कांस्टेंट। इसको फिर से डेरिवेट करेंगे आप और सेम उसी फॉर्मूले में डीबी माइनस सॉरी माइनस डीबी अपॉन बी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से फिर से आपको मिल जाएगा के इक्वल्स एनपी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें साउंड वेलोसिटी जो हो का फॉर्मूला दिया जाता है के अपॉन रो अंडर रूट के अपॉन रो, इस फॉर्मूले को अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस से चेक करें तो हमारे पास के अपॉन अंडर रूट के अपॉन रो इक्वल्स आ जाता है रूट आर टी या फिर अंडर रूट पी अपॉन रो। ये कहाँ से आएगा अंडर रूट पी अपॉन रो, अभी मैंने निकाला जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वो के इक्वल्स पी होता है, यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से तो अंडर रूट पी अपॉन रो, ठीक है। अब इसको चेंज करने के लिए रूट आर टी आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यहाँ मैंने नहीं बता रहा, थोड़ा सा आप इसको पी बी इक्वल्स जो एन आर टी होता है उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस सिमिलर एज प्रेशर, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो यूनिट दी जाती है सॉरी फॉर्मूला दिया जाता है वो क्या होता है डी पी ओवर डेल्टा वी ओवर बी, यानी कि नीचे जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम का रेशियो है तो नीचे की कोई यूनिट नहीं है, तो ऊपर क्या है प्रेशर, तो प्रेशर की यूनिट के सिमिलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। विस्कोसिटी क्या होती है, जब हम किसी भी फ्लूइड को फ्लो कराते हैं तो वेरियस लेयर्स में फ्लो होता है और जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में कुछ फ्रैक्शन फोर्स लग रहे होते हैं, या फिर हम कहें कि वो उनके बीच में जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है लेयर्स के बीच में एक दूसरे के बीच, तो उसे हम क्या कहते हैं विस्कोसिटी कहते हैं। तो जितना ज़्यादा वो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगी लेयर्स एक दूसरे के लिए तो वो उतना ज़्यादा विस्कस कहलाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा मेजर की जाती है या फिर देखी जाती है वो किस टाइम पर, जब कोई भी फ्लूड किस में हो मोशन में हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्लूड स्टेबल कंडीशन में हो तो उस टाइम पर उसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या होगी जीरो होगी, जैसा कि इसमें लिख भी रखा है, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है आप देख लीजिएगा, तो रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला दिया जाता है विस्कस फोर्स के लिए विस्कोसिटी को के टर्म में वो दिया जाता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए याद रख लीजिएगा, ठीक है। विस्कोसिटी का कॉज क्या होता है कि जो वेरियस फ्लूड्स होते हैं वो उनके बीच में बॉन्डिंग पार्टिकल्स की किसके वजह से होती है कोहेसिव फोर्स के कारण, तो कोहेसिव फोर्स के कारण ही वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं एक दूसरे की लेयर्स में, ठीक है। तो कोहेसिव बॉन्डिंग के कारण ये जो विस्कोसिटी है वो जनरेट होती है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, तो इसमें बेसिकली क्या है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में बताया गया कि जो वेरियस लेयर्स होते हैं किसी भी लिक्विड की उनके बीच में कैसे ऑफर करेगा वो रेजिस्टेंस, वो सारे के लिए एक फॉर्मूला दिया जाएगा, सीयर स्ट्रेस से रिलेशन उनमें दिया गया है, ये है लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो इसमें क्या कहा गया है किसी भी लिक्विड के लिए अगर हम सीयर स्ट्रेस की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वेलोसिटी ग्रेडियंट के, ये है फर्स्ट इक्वेशन इसकी। और सेकंड इक्वेशन ये कहती है कि सीयर स्ट्रेस किसी भी लिक्विड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के, जो कि यहाँ पर लिख रखा है। रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन और वेलोसिटी ग्रेडियंट आप कैसे समझ सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। मान लेता हूँ मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, कुछ एक ये पार्टिकल रहा और दूसरा ये यहाँ से यहाँ तक मूव करना स्टार्ट करता है, तो ये यहाँ तक मूव कर पाएगा, जबकि इसी टाइम पर ये पार्टिकल कुछ आगे तक मूव कर लेता है क्योंकि इसी सरफेस पर इसमें कुछ रेजिस्टेंस ऑफर हो रहे हैं और इसकी वजह से ये थोड़ा ज़्यादा तक मूव कर पाएगा और ये थोड़ा कम दूरी तक, ठीक है। तो इस केस में ये एंगुलर डिफॉर्मेशन शो कर रहा है, यहाँ पर जो थीटा होता है इसको हम लिख लेते हैं, और जो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है वो डी वाई होती है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम डी यू इंटू डी टी लिखते हैं क्योंकि जो इसकी वेलोसिटी है हम वो लेते हैं डी यू, और जो टाइम लेते हैं इन दोनों पार्टिकल्स को यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए वो लेते हैं डी टी, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पर सॉल्व नहीं करा रहा मैं, बस सिंपली आप समझ लीजिए ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता कैसे है, ठीक है।
वेरियस जो टर्म्स हैं, म्यू क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, या फिर इसको एब्सोल्यूट या डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कि यही वो विस्कोसिटी ही तो है जो पार्टिकल्स के बीच में रेजिस्टेंस ऑफर करती है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप, ए क्या होता है, सरफेस एरिया जो भी फ्लूड के कॉन्टैक्ट में होता है वो एरिया लिया जाता है यहाँ पर, और एफ शियर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स अलोंग द सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करें अगर विस्कोसिटी की यूनिट्स की, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस विस्कोसिटी के आपसे सिंपल पूछ लिया जाएगा कि इसकी यूनिट क्या है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या फिर काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दोनों की यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कभी CGS और IS में कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं तो आपको देख लेनी है। सबसे पहले देख लीजिए कि इसकी जो यूनिट्स है वो क्या है। तो अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से कंपेयर करें तो म्यू का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एफ अपॉन ए dy ओवर du। आप फॉर्मूला लास्ट में जो था उसको इस ड्राइव करके ऐसा लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब मैं लिख सकता हूँ dy जो कि डिस्टेंस थी, तो इसका मीटर हो गई यूनिट, du एक वेलोसिटी थी तो मीटर पर सेकेंड हो गई इसकी यूनिट, और एफ जो इसका फोर्स था तो यानी कि न्यूटन हो गई इसकी यूनिट, और अगर ए की बात करें तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा न्यूटन इंटू मीटर अपॉन में क्या आएगा, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड, और पर सेकेंड वाला सेकेंड जो है वो ऊपर पहुंचा देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मीटर से मीटर खत्म हो गया, और यहाँ पर जो यूनिट मिली है वो मिली क्या, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो निकल के आई है जो यहाँ पर यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। पास्कल सेकंड इसको लिख सकते हैं नॉर्मली, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कह देते हैं, पास्कल, तो फिर यहाँ पर लिख सकते हैं इसको न्यूटन सॉरी पास्कल सेकंड। ठीक है, CGS यूनिट की अगर हम बात करें तो CGS यूनिट इसको हम लिख सकते हैं डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो फोर्स की CGS यूनिट होती है वो क्या होती है, डाइन होती है। 1 न्यूटन इक्वल्स कितना होता है अगर आपसे कोई पूछे तो वो होता है 10^5 डाइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए पूछे बहुत, क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या होगी, 10 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको नॉर्मली पॉइज कह देते हैं। ठीक है, ये सारी यूनिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देख लीजिए 1 पास्कल सेकेंड इक्वल्स 10 पॉइज लिखा जाता है, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 SI यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इक्वल्स 1 sorry 10 CGS यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट जो टर्म है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट है वो आपको निकालने से पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसको हम सिंपली लिख देते हैं म्यू अपॉन रो, यानी कि अगर हमारे पास जो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है उसको हम डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो वो मुझे क्या दे देता है, म्यू की वैल्यू, यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की अगर हम यूनिट निकालें तो वो क्या होगी, जब मुझे म्यू की यूनिट पता है क्या होती है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं सॉरी डिवाइड कर देते हैं किससे, न्यू से, तो न्यू की यूनिट सॉरी ये रो की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ये न्यूटन सेकेंड इंटू मीटर अपॉन किलोग्राम। अब देखिए न्यूटन को फिर से हम चेंज कर सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ऊपर से मेरे पास है सेकेंड इंटू मीटर अपॉन किलोग्राम, किलोग्राम को किलोग्राम से कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास यूनिट जो बचती है मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ये जो यूनिट है ये किसकी यूनिट है, न्यू की यूनिट है, यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट है जो कि यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, अगर हम इसकी CGS यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर इसको हम स्टोक कह देते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल्स कितना होगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो वो होगा 10^4। कैसे, क्योंकि हमें पता है मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है 10^4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म आते हैं न्यूटोनियन फ्लूड या फिर इंजीनियरिंग फ्लूड, तो ऐसे फ्लूड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूटोनियन फ्लूड। तो इसके अंडर कौन कौन आता है, वाटर, मरकरी, एयर, एथिल अल्कोहल या फिर पेट्रोलियम या गैसोलीन, तो ये सारे इसके अंडर आते हैं। न्यूटोनियन फ्लूड के लिए फिर इक्वेशन की क्या दी जाएगी, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की इक्वेशन है, टाउ इक्वल्स म्यू डीयू ओवर डीवाई। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं इसके जो टेंजेंट इक्वेशन होती है,
तो उससे कंपैरिजन करें व्हीकल्स एमएक्स प्लस सी से, व्हीकल्स एमएक्स प्लस सी से, तो यहाँ से देख सकते हैं एम के जगह पर यहाँ पर क्या है, म्यू है, और एक्स की जगह पर क्या है, डी यू ओवर डी वाई है। तो एम जो होता है उस टेंजेंट इक्वेशन में वो क्या होता है, टेन थीटा, यानी कि स्लोप, इसे हम कहते हैं स्लोप, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं म्यू की जो वैल्यू है यानी विस्कोसिटी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहने वाली है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी न्यूटोनियन फ्लूड के लिए फ्लूड की जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, जो इसका कर्व है वो कुछ इस टाइप से होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, स्लोप कांस्टेंट है ऑलवेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका नॉन न्यूटोनियन फ्लूड की, तो वो ऐसे फ्लूड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। तो ऐसे फ्लूड की स्टडी किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है ओस्टवाल्ड पावर लॉ मॉडल के द्वारा, और ऐसे फ्लूड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, रियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म है, स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूड क्या कहा जाता है, रियोलॉजी, और इनको एनालाइज किसके द्वारा किया जाता है, ओस्टवाल्ड पावर लॉ मॉडल के द्वारा। और ओस्टवाल्ड पावर लॉ मॉडल की जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है टाउ इक्वल्स ए डी यू और डी वाई टू दी पावर एन प्लस बी, ठीक है। अगर इसको हम वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो आगे आएगा वो थोड़ा सा देख लेंगे हम उसको। सबसे पहले तो इसके टर्म्स जो दे रखे हैं उनको देख लीजिए, ए क्या है यहाँ पर, कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, और एन क्या है, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स है, यानी कि एन की वैल्यू वन है या वन से बड़ी है या फिर वन से छोटी है वो शो करता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, और वी जो है वो स्ट्रेस है या फिर यील्ड स्ट्रेस है जो भी अवेलेबल होता है उस पर, यानी कि कह सकते हैं किसी भी फ्लूड पर जो भी स्ट्रेसेस अवेलेबल हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, वी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ओस्टवाल्ड इक्वेशन के एनालिसिस को देखें तो इसमें वेरियस टू कैटेगरीज या में डिफाइन किया जाता है इन इन फ्लूड्स को। सबसे पहले आती है ऐसे फ्लूड्स जो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होते हैं, यानी कि जिनके लिए वी इक्वल्स जीरो है, और फिर सेकेंड आता है बी इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि जो टाइम पर डिपेंड होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है जो टाइम इंडिपेंडेंट है, तो इसमें कौन कौन आते हैं, डायलेटेंट आते हैं और सीडोप्लास्टिक आते हैं। इस क्रम में आप देख सकते हैं इसको कुछ इस टाइप से दिया गया है, डायलेटेंट उनको कहते हैं जब एन की वैल्यू, जो अभी इक्वेशन में एन ऊपर लगा हुआ था डी यू ओवर डी वाई में, इक्वेशन में एन जो है इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन है तो उसे क्या कहते हैं, डायलेटेंट कहते हैं। और सीडोप्लास्टिक में वो मैटर आते हैं जिनकी वैल्यू एन से वन से कम होती है, ठीक है। डायलेटेंट में कौन कौन से मैटर रखे जाते हैं, सुगर सॉल्यूशन हो गया, स्टार सॉल्यूशन हो गया या वाटर सॉल्यूशन हो गया एट्सेट्रा। देखिए इनको याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हैं ये टाइम पर डिपेंडेंट नहीं करते, यानी कि जैसे हम इन पर स्ट्रेस लगाएंगे ये डिफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या हो गए, ये हो गए हमारे डायलेटेंट, ठीक है। और सीडोप्लास्टिक की बात करें तो ये भी इसी के अंडर आते हैं, यानी जो टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है तो ये भी बहना स्टार्ट कर देते हैं एकदम से, और ये भी टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो अगर इनका बिहेवियर, फ्लो बिहेवियर देखें तो इनके हिसाब से एन इज ग्रेटर देन वन इनके लिए दिया जाता है, इन्हें डायलेटेंट सीडोप्लास्टिक कहते हैं। तो सीडोप्लास्टिक में एग्जांपल अगर देखेंगे ब्लड, मिल्क, पेपर पल्प हो गया, पेंट हो गया एट्सेट्रा, ठीक है। अगर बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि टाइम पर डिपेंड कर रहा है कोई भी मैटर जो है, तो उन्हें तीन टाइप से डिवाइड किया जाता है, रियोपैटिक, विंगम प्लास्टिक और थिक्सोट्रॉपिक। देखिए रियोपैटिक, विंगम प्लास्टिक या आइडियल प्लास्टिक, थिक्सोट्रॉपिक, ये कैसे टाइम पर डिपेंड करते हैं, यानी कि हमने किसी भी फ्लूइड पर अगर स्ट्रेस लगाए और वो तुरंत से फ्लो होना स्टार्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो टाइम डिपेंडेंट है, यानी कि उस पर पहले जो स्ट्रेसेस लगे हैं तब वो फ्लो करना स्टार्ट नहीं करता, बट कुछ टाइम के बाद वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है। जैसे अगर बिटमिन सॉल्यूशन की बात करें तो बिटमिन सॉल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा विस्कस होता है, तो अगर हम थोड़े से स्ट्रेसेस लगाएंगे तुरंत फ्लो करना स्टार्ट नहीं कर देगा, लेकिन एक टाइम के बाद जैसे ही वो फ्लो स्टार्ट करेगा उसके बाद कंटिन्यूसली फ्लो होता जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर जिप्सम पेस्ट की बात करें तो ये फ्लो बिहेवियर जो होता है एन, वो अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो उन्हें हम कहते हैं रियोपेटिक, जिसके अंडर आते हैं बिटमिन सॉल्यूशन और जिप्सम पेस्ट, ठीक है। और अगर एन इक्वल्स वन है तो उसके लिए आते हैं विंगम प्लास्टिक। ये जो एग्जांपल्स हैं विंगम प्लास्टिक के वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स, ड्रिल मड, ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वाटर सीवेज, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नॉर्मली टूथपेस्ट और
कॉस्मेटिक्स, यही एग्जाम्पल आपके लिए दिए जाते हैं, ये किसके अंडर रखे जाते हैं, बिंगम प्लास्टिक या आइडियल प्लास्टिक के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट जो एन इज लेस देन वन हो तो उसके लिए क्या दिया जाता है, थिक्सोट्रॉपिक, जिसमें आते हैं प्रिंटर इंक, आइसक्रीम एंड कर्ड। ये सारी चीज़ें टाइम पर डिपेंडेंट हैं, यानी कि जैसे कि टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट को थोड़ा सा स्ट्रेस लगाते हैं तो एकदम से फ्लो होना स्टार्ट नहीं करेगा, लेकिन एक बार अगर फ्लो होना स्टार्ट कर दिया तो फिर उसी स्ट्रेस पर कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है। तो यहाँ से याद रखने के लिए सिंपल सा मेथड है, आप टाइम डिपेंडेंट हैं तो ये जो जितने भी फ्लूइड उनको याद रखने के लिए बस इतना ही देख सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा न्यूटनियन फ्लूइड के लिए। तो न्यूटनियन फ्लूइड के लिए हम क्या देखते थे, कांस्टेंट स्लोप होता है उसका, या फिर हम कहें उसकी म्यू जो है, म्यू की वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है। तो यहां पर देख लीजिए वेरियस जो ग्राफ दिए गए हैं, यहां पर म्यू की वैल्यू देखिए इंक्रीज कर रही है, दो टाइप से दे रखी है, ऐसे ही अगर हम बात करें यहां पर तो म्यू की वैल्यू कांस्टेंट है, यहां पर भी देखेंगे तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, अगर यहाँ की बात करेंगे यहाँ पर भी म्यू की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, लेकिन इस केस में बात करें म्यू की वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ पर ग्राफ थोड़े से डिफरेंट हैं, वहाँ पर जो ग्राफ दे रखे थे वो कुछ स्टेप से थे, यहाँ सीयर स्ट्रेस लगा था, वो यहाँ पर डी ओवर डी वाई दिखा रखा था, तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना है वहाँ पर कांस्टेंट क्या था, जो विस्कोसिटी थी वो कांस्टेंट थी, तो विस्कोसिटी कांस्टेंट है जिस ग्राफ में, वो आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए विस्कोसिटी का, या फिर पूछा जाए कैटेगरी ऑफ फ्लूइड क्या है, तो फिर आप कैसे बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो यहाँ पर दे रखा है ग्राफ, इसमें आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर टाउ दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है डी ओवर डी वाई, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर इंक्रीज करी हैं, ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ इसमें सबसे पहले थीटा वन दिया दे रखा है जो सबसे कम है, थीटा टू उससे बड़ा है, फिर थीटा थ्री उससे भी बड़ा है। तो पूछा गया है कि जो विस्कोसिटी है फ्लूइड की वो किसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो क्या आपको पता है विस्कोसिटी म्यू इक्वल डिपेंड होती है टेन थीटा, यानी कि जैसे जैसे टेन यहाँ पर थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, टेन थीटा की यानी कि म्यू की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो हम कह सकते हैं थीटा वन इज लेस देन थीटा टू इज लेस देन थीटा थ्री, यानी कि सबसे बड़ा क्या होगा थीटा थ्री। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर ये फ्लूइड की कैटेगरी क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो म्यू की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, क्योंकि जो म्यू है वो इस पर शो कर रहे हैं यहाँ पर टाउ और डी ओवर डी वाई का जो ग्राफ दे रखा है, यहाँ पर म्यू कांस्टेंट है तो क्या होता है वो किसके अंडर आता है, न्यूटनियन फ्लूइड के, ठीक है। तो वो यहाँ पर दे रखा है, इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चंस हैं और यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिलेगी, तो इसलिए ये आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो टर्म आता है सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, मैं आपको नॉर्मली इसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लिया मेरे पास एक ये कंटेनर है, इसमें कोई फ्लूइड पार्टिकल्स भरे हुए हैं, फ्लूइड भरा हुआ है, मान लिया वाटर ही भरे हुए हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, जो वाटर होगा या फिर लिक्विड होगा, इसके जो ये पार्टिकल्स हैं जो कि इसके बीच में हैं, कोई एक पार्टिकल हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लिया कुछ इस टाइप से ये फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, इसका एक पार्टिकल यहाँ पर है और एक पार्टिकल यहाँ पे है। तो ये जो पार्टिकल है इस पर जो फोर्सेस लग रहे होंगे, कोहेजन फोर्स होता है इनके बॉन्डिंग, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है कोहेजन के कारण होती है, तो इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं तो ये इक्वल है कोहेजन के लिए, यानी कि किसी भी अंदर वाला जो पार्टिकल है इस लिक्विड का वो बैलेंस्ड है, इस पर बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस पार्टिकल की बात करें तो इस पर एक एक्स्ट्रा फोर्सेस लग रहे हैं इस साइड में, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस करने के लिए इसको कुछ भी नहीं है, क्या यहाँ पर इस पर फोर्सेस तो लग रहे हैं नीचे की तरफ, लेकिन अगर हम बात करें इसके जो ये जो फोर्सेस हैं नीचे की तरफ तो लग रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ इस पर कोई फोर्सेस ही नहीं लग रहे हैं, यानी नीचे की तरफ कोहेजन फोर्सेस लग रहे हैं जो इसमें टेंशन जनरेट कर देते हैं, इसी टेंशन कोहेजन अनबैलेंस्ड फोर्स को क्या कह देते हैं हम, सरफेस टेंशन, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा, बाकी जो यहाँ पर दे रखा है फॉर्मूला सिग्मा इक्वल्स एफ ऑन एल दिया जाता है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो एफ होता है वो होता है अनबैलेंस्ड कोहेजन फोर्स, और जो एल है लेंथ, जितने भी लेंथ पर ये जो हमारा कॉन्टैक्ट एरिया है या फिर कह सकते हैं सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये फोर्स एक्स एक्टिंग द सरफेस बिटवीन टू फ्लूइड। देखिए सरफेस टेंशन क्या है, कोई दो फ्लूइड्स के बीच में एक्ट करता है, यानी कि अगर मेरे पास ये फ्री सरफेस है और यहाँ पर क्या होगी फिर एयर वर्क कर रही होगी, तो एयर एक मीडियम हो गया, दूसरा मीडियम क्या है यहाँ पर जो फ्लूइड भरा हुआ है, तो इनके बीच में ही सरफेस टेंशन एक्ट करेगा, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, सबसे पहले तो ये कि जो सरफेस टेंशन होता है वाटर और एयर का,
एयर और वाटर के कांटेक्ट का, ये बीएमआरसी जेई में 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख लीजिए। इसमें सिग्मा की वैल्यू यानी कि जो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या ली जाती है, 0.073 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर हम बात करें टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है, और क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि इनके बीच में जो आयनिक बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है, ठीक है। और अगर हम इसमें डिटर्जेंट ऐड कर देते हैं तो सरफेस टेंशन क्या है, डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो बॉन्डिंग है उनके बीच में क्या है, एक लेयर सी लेमिना सा बन जाता है, जो कि उसमें जो बॉन्डिंग है उसके बीच में एक तरह से कह सकते हैं वो करता है कैसे, ग्रीसी लेयर सी बना देता है, जिससे उसकी बॉन्डिंग कमज़ोर हो जाती है, जिससे सरफेस टेंशन कम हो जाता है, ठीक है। और अगर हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो जो सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो आयनिक बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो जाती है। स्ट्रांग क्यों हो जाती है, कि उसकी विस्कोसिटी बेसिकली इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो वो होती है न्यूटन मीटर पर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है, जो फोर्स की यूनिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर इसकी जो शेप है किसी भी वेसल की, उस पर ये डिपेंड नहीं करता है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आपको देख लेना है। नेक्स्ट जो टर्म आता है कि वेरियस जो पॉइंट हैं, ड्रॉपलेट, बबल और वाटर जेट, इनके लिए जो सिग्मा यानी कि सरफेस टेंशन का रिलेशन क्या होगा उनके इनर प्रेशर और आउटर प्रेशर के डिफरेंस में, तो ये रिलेशन दिया जाता है डेल्टा पी इक्वल्स 4σ/d, किसके लिए, ड्रॉपलेट के लिए और बबल के लिए 8σ/d और वाटर जेट के लिए 2σ/d। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ डी क्या है, इसके डायमीटर्स हैं, वेरियस जो बबल, वाटर जेट एंड ड्रॉपलेट हैं, और जो सिग्मा है वो सरफेस टेंशन दिया जाता है, और डेल्टा पी यानी कि इनर सरफेस पर इतना इसका कितना प्रेशर है और आउटर सरफेस पर इसका कितना प्रेशर है, ये दिया जाता है डेल्टा पी से, यानी कि P2-P1 या P1-P2 जो भी है आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो फॉर्मूलाज यहाँ पर दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर बहुत एक बिग ड्रॉप है और उसको हमने बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स में तोड़ लिया है, तो उसके लिए क्या है, हम लिख सकते हैं उसका जो आर इक्वल्स होगा, आर इक्वल्स आर अपॉन वन टू एन टू द पावर 1/3। ये ऐसा क्यों लिख सकते हैं वो हम दिखा देते हैं आपको। जैसे कि हमने इसको बहुत एक ड्रॉपलेट थी बड़ी सी, उसको तोड़ दिया एन टाइम्स ऑफ ड्रॉपलेट्स में, ठीक है, छोटी छोटी, जिसकी रेडियस आर मैं मान लेता हूँ, इसकी रेडियस कैपिटल आर मान लेता हूँ, ठीक है। तो इनके वॉल्यूम तो बराबर ही होंगे, चाहे आप छोटी छोटी में तोड़ लेते हैं या फिर बड़ी में रहने देते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से आप इसको लिख सकते हैं 5/4 आर क्यूब इक्वल्स, लिख सकते हैं यहाँ पर 5/4 r³। तो r³ यहाँ पर n ड्रॉपलेट्स हैं, तो मैं n का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब इस रिलेशन से 5/4 से 5/4 कट हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी r अपॉन n टू द पावर 1/3, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख लीजिएगा। अगर हम बात करें बर्क डन की, तो वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर फोर्स की बात करें सरफेस टेंशन के केस में तो वो क्या होगा, सिग्मा जो हमने लिखा है सरफेस टेंशन, और चेंज इन सरफेस एरिया इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। आप इसके लिए कुछ नहीं है, आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, जो बर्कडन का फॉर्मूला है ये वाला, बाकी जो ये जो फॉर्मूला है कहाँ से आते हैं ये यहाँ पर मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो आप सिंपली ये बर्कडन का फॉर्मूला याद रख लीजिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिग्मा इंटू 4π r² एन टू द पावर -2/3 -1। यहाँ पर जो भी एन की वैल्यूज जो आई हैं वो इस फॉर्मूले से आई हैं, अब थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म आता है कैपिलरिटी, तो कैपिलरिटी क्या होता है, सिंपली हम कह सकते हैं किसी भी जो स्मॉल ट्यूब, डाय की ट्यूब है, उसमें पानी या फिर लिक्विड जो ऊपर उठता है या फिर नीचे जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं, कैपिलरिटी कह देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो डाया ऑफ स्मॉल डाया की हमने बात की है, तो वो डाया कितना होना चाहिए, less than 10 mm होना चाहिए, तभी ये कैपिलरिटी शो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, ठीक है। रीजन क्या होता है इसका, एडहेशन और कोहेशन, किसी भी पार्ट अगर हम बात करें ट्यूब की, अगर उसका एडहेशन ज़्यादा है तो यानी कि पार्टिकल्स जो हैं किसी भी लिक्विड के, उनके बीच में जो कोहेशन होता है, कोहेशन से ज़्यादा अगर इस पार्टिकल का एडहेशन इस वाली ट्यूब से ज़्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, कुछ ऊपर चढ़ जाएगा। तो ऐसी केस होते हैं एडहेशन और कोहेशन के कारण। आप देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले क्या है, राइज कब होगा,
तो राइज जब होता है जब एडेशन इज ग्रेटर देन कहेशन, मैंने अभी बताया आपको। और अगर फॉल की बात करेंगे तो वो कब होगा, जब एडेशन इज लेस देन कहेशन। ठीक है, तो इसको आप बेसिकली समझ सकते हैं पार्टिकल की जो बॉन्डिंग है उनके बीच से थोड़ा सा भी अगर आइडिया लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि एडेशन और कहेशन कब ज्यादा होगा, कब राइज कब फॉल करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि राइज की, तो उसमें उस केस में थीटा की वैल्यू होती है वो 90 डिग्री से लेस होती है, और इस केस में जो ट्यूब है वो बेंट हो जाती है। ठीक है, और कॉन्केविटी अप यानी कि ऊपर की तरफ होती है। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा बड़ी सी ट्यूब बना देता हूँ, ये कॉन्केव सरफेस है इसका, तो कॉन्केविटी हम कह सकते हैं अप होती है, और जो कॉन्वेक्सिटी है इस ये सरफेस, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं, तो कॉन्वेक्सिटी क्या है, डाउन की तरफ है। ठीक है, ऐसे इसमें उल्टा होता है, डाउन की तरफ क्या होता है, क्योंकि इसमें जो बबल है, सॉरी कुछ वाटर है या फिर लिक्विड है, वो कुछ इस टाइप से होता है, यानी कि इसकी जो कॉन्वेक्सिटी है वो ऊपर की तरफ है और कॉन्केविटी नीचे की तरफ है। ठीक है, इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री से बड़ी होती है। आप यहां पर देख सकते हैं ये एंगल कहां से मेजर किया जाता है, तो ये एंगल मेजर किए जाते हैं जो भी ट्यूब है उस ट्यूब के इस वाली सरफेस से, या फिर कह सकते हैं वर्टिकल सरफेस से। ठीक है, वर्टिकल सरफेस से आप किधर भी मेजर कर सकते हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है, यहां से यहां तक या फिर यहां से यहां तक। ओके, अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट एंगल की, वेरियस जो लिक्विड और क्लीन ग्लास या फिर वेरियस जो कंपोनेंट होंगे उनके लिए क्या होगी, तो प्योर वाटर और क्लीन ग्लास के बीच में जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा लगभग। बिटवीन इम्प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास ये 20 to 20 डिग्री तक होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें पारा की यानी कि मरकरी की और क्लीन ग्लास की, तो वो होता है 125 to 140 डिग्री। ठीक है, यानी कि जो पारा है या फिर मरकरी है वो ग्लास से चिपकता नहीं है, यहां से आप ये भी कह सकते हैं। और अगर AgNO3 की बात करें यानी सिल्वर नाइट्रेट की, क्लीन ग्लास के बीच जो एंगल कॉन्टैक्ट एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। करेशनियल की बात करेंगे वो 26 डिग्री होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेने हैं। हाइट ऑफ कैपिलरिटी की अगर बात करें तो इसके लिए सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है, 4σ cos θ / ρg d। ठीक है, यहां से एक रिलेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है, हाइट ऑफ कैपिलरिटी किस पर डिपेंड करती है, या फिर पूछ लिया जाता है डायमीटर के प्रोपोर्शनल होती है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां से आप लिख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डायमीटर के, और यहां से इसी इस पर बेस्ड एच इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहां से आप सिंपली निकाल सकते हैं H1 / H2 = B2 / D1, ये फॉर्मूला, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आएंगे क्योंकि इसमें सिंपली आपसे दे दिया जाएगा एक डायमीटर और पूछ लिया जाएगा दूसरा डायमीटर क्या होगा, जबकि आपको हाइट ऑफ कैपिलरिटी दोनों केस में दी होगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम सेकेंड चैप्टर पर जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स जो हम एग्जर्ट करते हैं किसी भी मेंबर पर किसी भी पॉइंट पर, वो अगर हम पर यूनिट एरिया उसकी इंटेंसिटी निकालें तो वो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड के केस में क्या होता है, शियर स्ट्रेस 0 होते हैं। क्यों, किसी भी हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड में जो फोर्सेस होते हैं वो कंप्रेसिव फोर्सेस चारों तरफ से एक इक्वल होते हैं, तो किसी भी बैलेंस पार्टिकल पर जो शियर स्ट्रेसेस होंगे वो 0 होंगे, क्योंकि हमें पता है शियर स्ट्रेस कब जनरेट होते हैं, जब बैरिंग स्ट्रेसेस या बैरिंग फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पर, तो वो क्या कहलाएंगे, वहां पर शियर फोर्स जनरेट करेंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मोहर सर्कल में जो प्रेशर होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय ए पॉइंट, और ये पॉइंट हमेशा किस साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, क्योंकि प्रेशर को हम माइनस यानी कंप्रेसिव को हम माइनस लेते हैं, तो इस वजह से इसको हम कुछ इस टाइप से जो मैंने दिखा रखा है यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। परफेक्ट वैक्यूम के केस में जो प्रेशर होता है वो 0 होता है, और जो फॉर्मूला है प्रेशर का, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया दिया जाता है। कुछ यूनिट्स हैं प्रेशर की, देख लीजिए, सबसे पहले SI यूनिट की बात करते हैं, तो वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और या फिर इसको हम पास्कल भी लिखते हैं। और अगर CGS यूनिट की बात करें तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता है। डाइन जो यूनिट है 1 न्यूटन इक्वल्स लिखा जाता है 10^5 डाइन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वायर की बात करेंगे तो 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के इक्वल होता है। नेक्स्ट यूनिट है 1 atm या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको बोला जाता है, ये होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर, या फिर इसको हम 760 mm ऑफ Hg लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है PSI, PSI क्या होता है, पाउंड स्क्वायर
इंच, इसको हम यूज करते हैं, अगर आपने देखा होगा तो जो टायर में हवा भरी जाती है उसमें जो मेजरमेंट डिवाइस यूज किया जाता है उसमें जो प्रेशर की यूनिट आती है वो PSI में आती है। आपने नहीं देखा है तो आप अब की बार देख सकते हैं। और इसकी जो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6942.66 न्यूटन पर मीटर उसका, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें टॉर, तो ये भी प्रेशर की यूनिट है और इसकी वैल्यू जो होती है 1 mm ऑफ HG होती है। अब यहाँ पर आपको पता रखना है कि यहाँ पर सबसे जो यूनिट है वो कौन सी बड़ी होती है कौन सी छोटी होती है, तो इनका डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ इस टाइप से होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सबसे ग्रेटर यूनिट है, उसके बाद बार आती है, उसके बाद PSI, फिर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फिर टॉर, फिर मिलीबार। तो ये सारी यूनिट्स का कुछ डेटा है, इनको आपको याद रख लेना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर, तो इसको तीन टाइप से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर एब्सोल्यूट प्रेशर, फिर गेज प्रेशर। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है ये देख लीजिए। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो ये वो प्रेशर होता है जो एग्जर्ट किया जाता है बाय एनवायरमेंट मास, यानी कि जो हम एनवायरमेंट देखते हैं उसके मास के द्वारा जो भी प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है उसे हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये मेजर किया जाता है बैरोमीटर के द्वारा, बैरोमीटर डिवाइस आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करेंगे तो ये नेट प्रेशर होता है फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो और परफेक्ट वैक्यूम, या परफेक्ट वैक्यूम से अगर हम मेजरमेंट करें किसी भी प्रेशर का तो फिर वो क्या करेंगे, वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो हम कह सकते हैं इसके लिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 101325 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1 ATM कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम मेजरमेंट डिवाइस की बात करें तो इसके लिए यूज किया जाता है एनरॉइड मीटर या फिर एनरॉइड बैरोमीटर। और ये जो प्रेशर है, क्योंकि हमें पता है जीरो से, या फिर इसको हम वैक्यूम कह देते हैं, वैक्यूम से मेजर किया जाता है, तो ऑलवेज ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम इससे ऊपर की तरफ मेजर करते हैं, कभी भी नीचे जीरो वैक्यूम से नीचे के प्रेशर को इससे मेजर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बात करते हैं गेज प्रेशर की, तो गेज प्रेशर नेट प्रेशर होता है, वो प्रेशर नेट प्रेशर होता है जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिप्रेजेंट रिस्पेक्ट में कलेक्ट करते हैं। अगर हम कहें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना होता है, इसके लिए अगर 1 ATM की बात करें तो ये जीरो होता है, इससे ऊपर अगर हम जाते हैं, इससे ज्यादा अगर प्रेशर है तो उसको हम प्लस में लिख देते हैं, और इससे कम वाले प्रेशर को हम माइनस में लिख देते हैं, और ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन का कुछ तरीका, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने बता दिया इसमें जीरो होता है, और क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में या फिर इसी को रेफरेंस लेके हम सारे इसमें प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इसको मेजर किससे करना है, तो वो होता है मैनोमेट्रिक डिवाइसेस जो भी यूज किए जाते हैं सारे के सारे वो गेज प्रेशर में ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला देना है एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर का, तो यानी कि इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो वो लिखते हैं हम कुछ पी एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी कि इक्वल्स होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ठीक है। गेज प्रेशर को यहाँ पर आपको रखने से पहले साइन देखना है, यानी पॉजिटिव प्रेशर है या फिर नेगेटिव प्रेशर है उसके साथ ही रखना है, उसके बाद ये एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेशर वेरिएशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन और हाइड्रोस्टेटिक लॉ की, तो हाइड्रोस्टेटिक लॉ कहता है कि अगर हमें किसी भी पॉइंट पर प्रेशर इंटेंसिटी निकालनी है तो वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वेट। किसी भी वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं और प्रेशर इंटेंसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वेट होगी उस लिक्विड के, ठीक है। तो अगर हम यहां से लिखें तो लिख सकते हैं प्रेशर ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वेट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एच जो भी डाटा है वो प्रेशर के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं। यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि प्रेशर इंटेंसिटी की जो वैल्यू है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं शो करती, क्योंकि आपको पता है प्रेशर जो हाइड्रोस्टेटिक लॉ है उसमें सेम यही बात की जाती है कि आपको सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर आपको जो प्रेशर की वैल्यू है वो सेम मिलेगी। अगर हम इस पर इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट की बात करते हैं, चाहे इसकी चाहे इसकी, तो सारी जगह पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसका थोड़ा एप्लीकेशन आगे आपको देखने को मिलेगा। प्रेशर ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में हम निगेटिव लेते हैं, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। प्रेशर ग्रेडियंट अगर हम वर्टिकल लेवल की बात करें या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो इनके लिए क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी सेम लेवल की बात करेंगे तो एस तो बैरी नहीं कर रहा, एच बैरी नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, डीवी अपॉन डीएच की वैल्यू क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम रिलेशन देखें एब्सोल्यूट सिस्टम और जो गेज सिस्टम है उनमें फॉर्मूलाज निकालने की कोशिश करें हाइड्रोस्टेटिक लॉ के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा, पीछे वाले रिलेशन से हम लिख सकते हैं डीपी अपॉन डीएच इक्वल्स रो जी,
जो कि यूनिट वेट होता है, तो हमें डीपी की यहाँ पर वैल्यू अगर निकालनी हो तो हम लिख सकते हैं इसको रो जी एच, ठीक है, या फिर रो जी डी एच। यानी कि अगर एब्सोल्यूट सिस्टम में इस फॉर्मूले को रखेंगे तो क्या होगा, पी टू इक्वल्स रो जी एच। रो जी एच क्या है यहाँ पर, फिर से वही जो हमने प्रेशर लिखा था, यानी कि गेज प्रेशर है ये यहाँ पर, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे पास अभी गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर में रिलेशन था उसमें यही था, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गेज प्रेशर तो रो जी एच हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 101325, ठीक है। अगर हम इसकी गेज प्रेशर सिस्टम में अगर देखेंगे कैलकुलेशन, तो इसको तो हम जीरो ले लेते हैं यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे पास दो लिक्विड दे रखे हैं और उनका आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया जाता है, G1 और G2 है, G1 एक का है और एक का G2 है, तो आपसे कहा जाता है कि सर्टेन प्रेशर पर यानी कि P1 और P2 सेम है, तो इस केस में आपसे पूछा जाएगा कि लिक्विड 1 की हाइट दे दी जाएगी, कुछ भी मान लिया H है, तो लिक्विड 2 की वैल्यू क्या होगी, S2 क्या होगा, लिक्विड 2 की हाइट क्या होगी, ये पूछा जाए। तो सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट लिक्विड जो भी है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई उसकी जो भी हाइट है उससे कर देंगे और इक्वल में रख देंगे G2 into S2, यानी कि सेकेंड लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड सेकेंड लिक्विड की हाइट, ठीक है। यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, बहुत बार इस ट्रिक से जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ट्रिक दे रखी है, बाकी जो इसका कॉन्सेप्ट है वो कुछ अलग है, वो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम बात करें किसी भी मेजरमेंट डिवाइस की, जो हम मैनोमेट्रिक बेसिक डिवाइस यूज करते हैं, उनमें ट्यूब्स जो यूज की जाती हैं वो ट्यूब्स हमेशा 10 mm या फिर 1 cm से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें निग्लेक्ट करना है कैपिलरिटी इफेक्ट, जिससे अगर हम 10 mm तक की डिवाइस में जो ट्यूब्स यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, कैपिलरी राइज और फॉल होगा, जिसके कारण जो हमारा मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, गलत होगा, कुछ ना कुछ उसमें डेविएशन आ जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, 10 mm से ज्यादा की जो ट्यूब्स हैं वो यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेशर डिवाइसेस की, तो कौन कौन से प्रेशर डिवाइसेस होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दो टाइप्स, इसको पहले क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन लिक्विड कॉलम, और सेकेंड है एडवांस्ड डिवाइसेस। तो एडवांस्ड डिवाइसेस में मॉडर्न डिवाइसेस आते हैं, हमें इसमें मेनली स्टडी करना है किसको, लिक्विड कॉलम डिवाइसेस को। तो सबसे पहले इसमें आता है बैरोमीटर, जिससे हम क्या मेजरमेंट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, पीछे हम पढ़ चुके हैं। और मैनोमीटर की बात करें तो इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है दो टाइप में, सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर में हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है उसको मेजर करते हैं, सिंपल मैनोमीटर हमें प्रेशर का जो भी डाटा है वो देता है, ठीक है, प्रेशर कितना है किसी भी पॉइंट पर वो। तो सिंपल मैनोमीटर को हम तीन टाइप से डिवाइड करते हैं, सबसे पहला आता है पीजोमीटर, फिर सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर और फिर सेंसिटिव मैनोमीटर। पीजोमीटर में क्या किया जाता है, पीजोमीटर में हम सिंपली लिक्विड का जो प्रेशर है उसको हम मेजर कर सकते हैं, इसमें गैसेस के प्रेशर मेजर नहीं किया जा सकते किसी भी टाइप की। और सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर की बात करें तो इसे यूनिवर्सल डिवाइस बोला जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप के लिक्विड या फ्लूइड कहते हैं, यानी जिसमें लिक्विड और गैसेस दोनों आ जाते हैं, किसी भी टाइप के फ्लूइड का जो प्रेशर है उसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है। सेंसिटिव मैनोमीटर की अगर हम बात करें, इसको हम माइक्रो मैनोमीटर कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसके द्वारा लो अमाउंट ऑफ प्रेशर मेजर किया जाता है, ठीक है। सेंसिटिव मैनोमीटर को हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, सबसे पहला आता है वर्टिकल और सेकंड आता है इंक्लाइंड। वर्टिकल में हम जो ट्यूब यूज करते हैं वो ट्यूब कुछ इस टाइप से 90 डिग्री पर इंस्टॉल होती है, जो ट्यूब जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाद में लगना है, यहां पर मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा रहता है, तो जो वर्टिकल है उसमें 90 डिग्री का जो एंगल होता है कुछ इस टाइप से, और जो इंक्लाइंड है उसका जो एंगल है वो 20 to 25 degree फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, मतलब यहीं से ये जो एंगल है वो कुछ स्टेप से 20 to 25 degree हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है। अब सेकंड हम बात करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर की, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर को हम फिर से तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, टू पीजोमीटर ट्यूब जिसके द्वारा भी प्रेशर डिफरेंस मेजर किया जाएगा, नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस यूट्यूब मैनोमीटर की, तो इसके द्वारा भी प्रेशर डिफरेंस मेजर किया जाता है, और थर्ड है इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं होता है। डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर की बात करें तो उसमें डिवाइसेस का जो ट्यूब्स हैं वो कुछ इस टाइप से पाइप में इंस्टॉल रहेंगी, और अगर हम इसकी इन्वर्टेड की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि जो डिवाइस की जो पाइप ट्यूब्स हैं वो कुछ इस टाइप से इंस्टॉल होती हैं, ठीक है। तो ये जो इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर है इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा हम लो प्रेशर डिफरेंस को मेजर करते हैं, और इसमें जो फ्लूइड होता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो होता है वो होता है लाइटर देन
जो फ्लूइड हम जिसका प्रेशर मेजर कर रहे हैं, यानी कि मैनोमीटर जो फ्लूइड है जो रो एम है वो इससे जिसकी रो है उससे क्या होगा, लाइटर होगा, यानी कि रो लेस होगा। ठीक है, ये चीज यहां से आपको याद रखनी है। अब हम इसके डिटेल्स में चलते हैं, वेरियस जो हमने अभी पढ़े हैं डिवाइसेस इनकी डिटेल क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर के द्वारा हम मेजर क्या करते हैं, इसे टेरेसेलिस अपैरेटस भी बोलते हैं, और इसके द्वारा मेजर किया जाता है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये होता कैसा है। कुछ इस टाइप से ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है कुछ इस टाइप से होता है। इसमें क्या है, ट्यूब कुछ इस टाइप से रहती है, और उसमें नीचे की तरफ जो पूरा ये बकेट टाइप की दिखा रखी है इसमें भरा रहता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड। और इस ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है ये नॉन स्टिकी नेचर का होता है, यानी कि ये किसी से जो लेयर्स हैं इनके बीच में आपस में चिपकता नहीं है, यानी कि इमिसिबल होता है। और सेकेंड, लो वेपर प्रेशर होता है इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड का, और इसकी डेंसिटी हाई होती है। ये सारे पॉइंट्स हैं इसके जो भी इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा रहता है उनके लिए। अब बात करते हैं इसमें जो कुछ स्टेप से ऊपर की तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क करता है, और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो भी लेवल है इस फ्लूइड का कुछ स्टेप से बढ़ जाता है। इसमें ऊपर की तरफ वैक्यूम रहता है, और ये जो हाइट है इसकी हम मेजर कर लेते हैं। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो इसमें ये फ्लूइड की हाइट भी बढ़ेगी, और इस हाइट को मेजर करके हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ से प्रेशर निकाल सकते हैं। पी इक्वल्स क्या होता है, रो जी एच। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से प्रेशर की वैल्यू मेजर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पीजोमीटर की, तो पीजोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, केवल फ्लूइड का जो प्रेशर है वो मेजर किया जाता है, और जो लाइटर प्रेशर है उसको ही मेजर किया जाता है, हैवी प्रेशर है उसको मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस केस में हमें इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी बहुत लंबी ट्यूब, तो वो पॉसिबल है नहीं प्रैक्टिकली। अगर हम बात करें इसमें किसी भी टाइप की गैस का प्रेशर मेजर नहीं करते हम, और जो ये सुटेबल होता है मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रेशर के लिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ इसमें कम अमाउंट का जो प्रेशर है उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, ज्यादा प्रेशर है तो उस केस में क्या होगा, ये अगर पी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो एच की वैल्यू अल्टीमेटली एच की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। एच की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब मैनोमेट्रिक हाइट बढ़ रही है, सॉरी जो ट्यूब है उसकी हाइट बढ़ रही है, और ट्यूब इतनी ज्यादा हाइट की इंस्टॉल कर पाना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें इसमें मेजर करने की वेरी लाइट लिक्विड को, तो लाइट लिक्विड में क्या होगा, फिर से जो रो है वो बहुत कम होगा, रो की वैल्यू कम है, इसका मतलब अल्टीमेटली एच की वैल्यू फिर से इंक्रीज कर रही है, एच की वैल्यू इंक्रीज करना इसका मतलब प्रैक्टिकली ये वैलिड नहीं है। ठीक है, अब थर्ड हम आते हैं इसके सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर पर। तो सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर को हम यूनिवर्सल डिवाइस बोलते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और इसमें एक एडिशनल लिक्विड जो यूज किया जाता है उसे हम क्या कह रहे हैं, मैनोमेट्रिक लिक्विड, जो यहाँ पर रेड टाइप से कुछ डॉटेड फॉर्म में आपको दिख रखा होगा। ठीक है, तो इसे बेसिकली किसी पाइप में इंस्टॉल कर दिया जाता है, और इस पाइप के में जो भी लिक्विड होता है इसके प्रेशर के कारण इसमें जो मैनोमेट्रिक लिक्विड इस ट्यूब में भरा है ये यहाँ पर इस पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जिसके कारण ये कुछ इस टाइप से अपनी प्रीवियस जो लोकेशन है वहां से कुछ ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। मान लिया कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ गया, और ये जो ऊपर की तरफ से इसमें क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है, तो ये जो प्रेशर यहां से यहां तक जो मूव किया है एच, यहां से हम क्या निकाल लेते हैं इसमें प्रेशर ग्रेडियंट या फिर प्रेशर। ठीक है, अब बात करते हैं सेंसिटिव मैनोमीटर की, फोर्थ। इसे माइक्रो मैनोमीटर भी कहते हैं, और इससे वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रेशर भी मेजर किया जा सकता है। ये दो टाइप से हम इसको डिवाइड करते हैं, वर्टिकल और इंक्लाइंड। हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वर्टिकल कुछ इस टाइप से होता है, ये यहां पर दिखा रखा है, इंक्लाइंड जो कुछ इस टाइप से होता है आप देख लीजिए, ये जो है इंक्लाइंड मैनोमीटर है, जो इंक्लाइंड सेंसिटिव मैनोमीटर है, इसका एंगल 20-25 डिग्री होता है। ठीक है, इसके लिए रिजर्वॉयर एरिया, जो फिर यहां पर रिजर्वॉयर आपको दिख रहा है, ये रिजर्वॉयर का एरिया होना चाहिए लगभग 100 times ट्यूब एरिया के, यानी जो ट्यूब्स हम इसमें यूज करें ये इनके एरिया से लगभग 100 times ज्यादा होना चाहिए रिजर्वॉयर का एरिया। यहां से अगर हम निकालें डेल्टा एच, यानी कि हमें पता है रिजर्वॉयर का एरिया, अगर यहां पर जो डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एच एक्सर्ट कर रहा है, अगर डिस्टेंस मूव करा पा रहा है ये जो लिक्विड इसमें भरा हुआ है, तो डेल्टा एच और यहां पर जो एरिया है वो कितना है ए इस रिजर्वॉयर का। अगर हम इसको देखें इधर, ये लिक्विड कितना इंक्रीज कर रहा है, वो एस टू कर रहा है, और इसके लिए ट्यूब का एरिया क्या है ए। तो ये अगर हम देखें तो यहां से एक फॉर्मूला मिल जाता है डेल्टा एच का, वो ये जो यहां पर लिख रखा है डेल्टा एच इक्वल्स ए एस टू अपॉन ए। तो ये क्या होता है, इसे हम इससे हम निकाल सकते हैं, ये जो हाइट है
हाइट का डिफरेंस है, यहां से हम निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेंसिटिविटी फैक्टर की, तो ये सेंसिटिविटी फैक्टर क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, या फिर कह सकते हैं थीटा के। ये थीटा कौन सा लिया जाता है, यहाँ पर जो इंक्लाइंड है उसका थीटा लिया जाता है। और जो अगर हम जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे क्या होगा, जो सेंसिटिविटी फैक्टर है वो डिक्रीज करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर रीडिंग की, तो वो लाई करती है 20 to 25 डिग्री सेंसिटिविटी मैनोमीटर की। अगर 20 to 25 डिग्री इंक्लाइंड है ट्यूब, तो उस केस में जो रीडिंग है वो प्रॉपर होगी, और नहीं तो फिर उसमें कुछ डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर की, तो ये यूज किया जाता है मेजर करने के लिए दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो वो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर जो होता है ये यूज किया जाता है लाइटर लिक्विड के साथ, और इसमें जो मेजर किया जाता है लो प्रेशर डिफरेंस को, ठीक है। इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर थोड़ा सा हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है उसको देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस एंड मैनोमेट्रिक रीडिंग एक्स इन अ वेंचुरीमीटर। कोई भी वेंचुरीमीटर हमने दे रखा है कुछ इस टाइप से, और इसमें सबसे पहले हमने पीजोमीटर ट्यूब्स इंस्टॉल किए हैं दो अलग अलग सेक्शन पर, जिससे हमें इनका प्रेशर डिफरेंस ए सेक्शन पर और बी सेक्शन पर पता चल जाएगा, ठीक है। वो जो प्रेशर डिफरेंस है या प्रेशर हेड डिफरेंस है उसको हमने डेल्टा एस से इसमें डिनोट किया है। ऐसे ही अगर हम बात करें सेकेंड में, तो हमने इस वेंचुरीमीटर में इंस्टॉल किया है एक डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर, जिसके द्वारा हमने क्या यहाँ पर ए और बी के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर हेड डिफरेंस है, उसको मेजर किया है। तो इसमें जो मैनोमेट्रिक रीडिंग है उसकी वैल्यू क्या है, एक्स है, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो यहां से आपको याद रखना है, जो डेल्टा एच यहां पर हेड डिफरेंस था, डेल्टा एच इक्वल्स लिखेंगे हम एक्स इंटू रो एम अपॉन रो माइनस वन। यहाँ रो एम जो है वो है मैनोमेट्रिक फ्लूड का जो होगा रो, और जो रो है वो है स्टैंडर्ड फ्लूड जो इसमें फ्लो हो रहा होगा। इसको स्टैंडर्ड फ्लूड नहीं कहेंगे, नॉर्मली जो फ्लूड इसमें फ्लो हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, रो, ठीक है। और यहाँ पर बाकी सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। इसको हम ऐसे भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं जी एम ओवर जी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रो एम है और यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फ्लूड से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं, फ्लूड के केस में अगर इसमें वाटर फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, सॉरी लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फ्लूड क्या होता है, वाटर लिया जाता है। तो इस केस में हम रो का अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा ये क्या हो जाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, जीएम ओवर जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर है तो उस केस में क्या होगा, इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर में नॉर्मली क्या है, ये जो ट्यूब है इसको हम कुछ स्टेप्स इंस्टॉल कर देते हैं उल्टा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इसमें लाइटर फ्लूड फ्लो होता है इस वाले में, यानी कि रो एम की जो वैल्यू है वो लेस होती है देन रो, जो रो इस बट जिसमें जो फ्लूड फ्लो हो रहा है उससे इसकी जो रो है वो कम होगी, ठीक है। तो इससे हम फॉर्मूले को सेम रहता है, बस इसमें ये जो वन है यहाँ पर बाद में था, यहाँ पर हो जाता है वन माइनस रो एम ओवर रो। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली ये है कि आपको हमेशा मैनोमेट्रिक फ्लूड जो है वो हमेशा ऊपर रखना है, और जो न्यूमरेटर में रखना है, और जो डिनोमिनेटर में होगा वो हमेशा फ्लूइड होगा जो फ्लो हो रहा होगा। ये अगर आपने याद रख लिया तो बाकी फॉर्मूलाज में कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि सिंपली आपको थोड़ा सा चेंज करना है, माइनस वन का यहाँ से वन माइनस हो जाता है बस। और बाकी आगे अगर आपको सेम कंडीशंस दे दी जाए, आपसे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि मान लिया आपसे कहा जाता है कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है वो है भारी किससे, जो भी फ्लूड फ्लो हो रहा है पाइप में, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको क्या देना है, जो भी फर्स्ट फॉर्मूला था। और सेकंड आपसे ये कहा जाता है मैनोमेट्रिक फ्लूड है वो हल्का है किससे, जो भी पाइप में फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए नॉर्मली वही फॉर्मूला देंगे जो सेकंड वाले केस में था, जो इन्वर्टेड के केस में था, ठीक है। तो यहाँ से जो याद करने वाली चीज है वो मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है कि जो हमेशा मैनोमेट्रिक लिक्विड है उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है या फिर रो है जो डेंसिटी है उसको हम हमेशा ऊपर रखेंगे, और बाकी चीजें हमें याद रख लेनी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है जो भी प्रेशर डिवाइसेस थे वहां तक। आगे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात आती है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड एज ऑलवेज ऑल द बेस्ट।